Good morning, students. How are you? Hope you are staying safe at your home. So, in this chapter, we have discussing about the fiscal and monetary measures to correct excess and deficient demand. And in the previous session, we have discussed some of the monetary measures to correct excess and deficient demand. So, in this video session, we will discuss the left part of the monetary measures. So the first one is open market operations. So open market operations is what? Open market operation is the process. It is the process of buying and selling the government securities by the RBI on the behalf of the government. जब government के behalf पे government की securities को RBI market में बेचती और खरीदती है, उसको हम क्या बोलते हैं? Open market operations. So how, with the help of open market operation, हम excess और deficient demand को क्या कर सकते हैं? Correct कर सकते हैं. तो during excess demand, जब aggregate supply से ज्यादा है, इसका मतलब लोगों के पास purchasing power बहुत है, लोगों की purchasing power ज्यादा है, इसलिए वो ज्यादा डिमांड कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट क्या करती है, जो आरबीआई है वो गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज को जनरल पब्लिक के बीच में बेच देती है. जब वो जनरल पब्लिक के बीच में क्या है, अपनी सिक्योरिटीज को बेच देती है, तो उसके बदले लोगों से पैसा ले लेती है. दे सोक द लिक्विडिटी फ्रॉम द मार्केट. जब वो पैसा मार्केट से खींच लेती है तो लोगों की परचेजिंग पावर कम हो जाती है. जब लोगों की परचेजिंग पावर कम हो जाती है तो एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल हो जाती है. सो ड्यूरिंग एक्सेस डिमांड आरबीआई विल स्टार्ट सेलिंग द सिक्योरिटीज ऑफ द गवर्नमेंट टू द जनरल पब्लिक ऑन द बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट. ड्यूरिंग डेफिशिएंट डिमांड जब एग्रीगेट डिमांड कम है एग्रीगेट सप्लाई से, इसका मतलब लोगों के पास पैसा नहीं है, तो जो लोगों के पास गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज पड़ी हैं, आरबीआई उनको परचेज करना शुरू कर लेती है जनरल पब्लिक से, और उसके बदले उनको क्या दे देती है, पैसा दे देती है. सिक्योरिटीज खरीदने के बदले में उनको पैसा मिलता है, तो उस पैसे से वो अपनी परचेजिंग पावर बढ़ाते हैं, और एडी इसके इक्वल हो जाती है एएस के. तो दैट इज means during excess demand RBI will start selling the securities of the government, and during deficient demand RBI will start borrowing the securities from the government. Next है margin requirement. Margin requirement क्या है? It is the difference between asset mortgage and loan granted. ठीक है, यानी कि कितने के प्रॉपर्टी पेपर अपा ने गिरवी रखे और अपा को कितने का लोन मिला, उसके बीच का जो डिफरेंस है उसको क्या है, मार्जिन रिक्वायरमेंट बोलते हैं. तो ड्यूरिंग एक्सेस डिमांड, जब एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के ज्यादा है, तो आरबीआई क्या करती है, मार्जिन रिक्वायरमेंट को इंक्रीज कर देती है. जब आरबीआई मार्जिन रिक्वायरमेंट को इंक्रीज कर देगी तो लोग कम से कम क्रेडिट लेंगे, और जो लोग क्रेडिट लेंगे भी उनके पास जो मनी सप्लाई है वो कम जाएगी, और जब लोगों के पास मनी सप्लाई कम जाएगी, इकोनॉमी में मनी सप्लाई कम होगी, तो एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगी और वो एडी एएस के इक्वल हो जाएगी. सो ड्यूरिंग एक्सेस डिमांड मार्जिन रिक्वायरमेंट इज इंक्रीज्ड, एंड ड्यूरिंग डेफिशिएंट डिमांड मार्जिन रिक्वायरमेंट इज डिक्रीज. जब मार्जिन रिक्वायरमेंट डिक्रीज हो जाएगा तो ज्यादा से ज्यादा लोग क्या है, लोन लेंगे. जब लोग ज्यादा से ज्यादा लोन लेंगे तो क्या है, इकोनॉमी में मनी सप्लाई बढ़ेगी. जब इकोनॉमी में मनी सप्लाई बढ़ेगी तो क्या होगा, एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाएगी और एडी एएस के इक्वल हो जाएगी. तो दैट इज मार्जिन रिक्वायरमेंट. मॉरल सुएशन. मॉरल सुएशन क्या है? इट इज अ मॉरल अपील बाय अ सेंट्रल बैंक टू इट्स मेंबर बैंक्स. यानी कि ये अपने जो सेंट्रल बैंक है अपने मेंबर्स बैंक को क्या करती है, एक मॉरल अपील करती है कि ड्यूरिंग एक्सेस डिमांड यू शुड बी वेरी स्ट्रिक्ट वाइल गिविंग द क्रेडिट.
यू विल बी वेरी स्ट्रिक्ट वाइल गिविंग द क्रेडिट एंड ड्यूरिंग डेफिशिएंट डिमांड यू शुड बी वेरी लिबरल यू शुड फॉलो इजी टर्म्स एंड कंडीशन वाइल गिविंग द क्रेडिट क्रेडिट राशनिंग क्रेडिट राशनिंग मीन्स फिक्सिंग ऑफ क्रेडिट कोटास तो ड्यूरिंग एक्सेस डिमांड वी विल फिक्स लेस क्रेडिट कोटास हम कम से कम क्रेडिट देंगे और ड्यूरिंग डेफिशिएंट डिमांड वी विल फिक्स मोर एंड मोर क्रेडिट कोटास तो डेफिशिएंट डिमांड में पैसे की जरूरत है तो हम क्रेडिट कोटास ज्यादा फिक्स करेंगे और ड्यूरिंग एक्सेस डिमांड हम क्रेडिट कोटास कम फिक्स करेंगे क्योंकि ऑलरेडी इकोनॉमी में पैसा बहुत ज्यादा है सो दीज आर सम ऑफ द मॉनिटरी मेजर्स टू करेक्ट एक्सेस एंड डेफिशिएंट डिमांड सो प्लीज सी दिस वीडियो वॉच दिस वीडियो वेरी माइन्यूटली एंड वी विल डिस्कस द क्वेरीज इन द जूम सेशन थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे